हेलो बच्चों, लेट्स सी डॉट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इज द चार्ज सेल ऑफ रेडियस आर कैरी इज द टोटल चार्ज ऑफ क्यू बी वन फ्लक्स एज अ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ हाइट एच रेडियस आर एंड इट्स सेंटर सेम एज द सेल। हियर द सेंटर ऑफ सिलेंडर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स टॉप एंड द बॉटम सरफेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शंस इज आर करेक्ट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बोला जा रहा है कि एक चार्ज्ड शेल है, इस तरीके से एक चार्ज सेल है विच इज बेसिकली इनक्लोज्ड बाय अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सो ये जो चार्ज्ड सेल है उसका रेडियस आर है और इसको चार्ज क्यू दिया गया है, तो इसका रेडियस हम बना देंगे आर और इसको चार्ज क्यू दिया गया है। एंड गिवन अ फ्लक्स एज अ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सिलेंड्रिकल सर्फेस जिसकी हाइट एच है, यानी कि जो सिलेंड्रिकल सर्फेस है इसकी हाइट एच के बराबर है और रेडियस स्मॉल आर की इक्वल है। सो हम बताना है कि आउट ऑफ दिस गिवन फोर ए बी सी डी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट फोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन। So simply, we are going to use the Gauss law. So according to Gauss law, the total flux is nothing but equals to the charge enclosed by the body divided by epsilon naught. जहाँ पर Q enclosed will be the charge enclosed by the inner body of the surface, and epsilon naught is the permittivity. तो सबसे पहले तो according to question जैसे कि Q charge is spherical कंडक्टर को दिया गया है, यानी कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो देखिए, यदि मैं सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर कर दूं, ठीक है, सो ये क्या बन रहा है, एक क्वार्टर हाफ पार्ट ऑफ हेमी स्पियर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस आर्क इट विल मेक एन एंगल ऑफ अल्फा। सो सिंपली बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री साइन ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल्स टू आर बाय कैपिटल ऑफ आर होगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए वी आर स्टेटिंग दैट कि एच इज ग्रेटर दैन टू आर। सो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो एच इज ग्रेटर दैन टू आर ऐसा हमें बोल रहा है, साथ ही साथ आर ग्रेटर दैन कैपिटल ऑफ आर एट फाइव इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये हमें डिराइव करना है। तो इस ऑप्शन के लिए यदि हम जस्टिफिकेशन देखें, सो एच ग्रेटर देन टू आर है और आर ग्रेटर देन कैपिटल ऑफ आर है। सो इस कंडीशन में चार्ज इनक्लोज्ड विल बी इक्वल्स टू ओनली क्यू। सो द टोटल फ्लक्स विल बी गोज टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी गोज टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट। ऑप्शन बी के लिए जस्टिफिकेशन करेंगे। सो बी के लिए बोला जा रहा है कि एच इज लेस दैन एट आर बाय फाइव, और जबकि स्मॉल आर ये कितना है, थ्री आर बाय फाइव की इक्वल है, थ्री आर बाय फाइव की इक्वल। सो इसके लिए यदि हम जस्टिफिकेशन करें, सो इस कंडीशन बेसिकली क्या होगा कि ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो और इसके आउटसाइड में ये स्फेरिकल सरफेस हो जाएंगी। तो बेसिकली इस कंडीशन में जो गॉसियन सरफेस है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में, सो वो तो इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा, यानी कि आउटसाइड द स्फीयर देयर विल बी, यानी कि इनसाइड टू द स्फीयर देयर विल बी नो चार्ज, दैट इज वाई क्यू इनक्लोज्ड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एच इज लेस देन एट आर बाय फाइव और आर इक्वल टू थ्री आर बाय फाइव, इसीलिए हमारे पास ये डायग्राम बन के आई, तो उसके अकॉर्डिंग क्यू इनक्लोज जीरो हो गया। सो द फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो बी के इसके लिए फ्लक्स जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी को देखेंगे, एच ग्रेटर देन टू आर होगा एंड आर फोर आर बाय फाइव, ठीक है, आर फोर
आर बाय फाइव के इक्वल होना चाहिए। सो इस कंडीशन के लिए जो हमने पहली वाली फिगर बनाई थी, ये वाली, इसी में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये हेमी स्फेरिकल पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल अल्फा, जो चार्ज इनक्लोज का फॉर्मूला होगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू 1 माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ अल्फा होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सो नाउ फ्रॉम द फिगर वी कैन जस्ट फाइंड कि साइन अल्फा इज इक्वल टू आर स्मॉल आर बाय कैपिटल आर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस ऑफ सिलेंडर है जो कि स्मॉल आर के बराबर है, उसका हाइपोटेनियस कैपिटल ऑफ आर के बराबर है। सो ये सिंपली कितना हो जाएगा, सो चूंकि हमें सी ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, आर इज इक्वल टू 4r/5, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो स्मॉल आर है दैट इज नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 5 के इक्वल होगा। नाउ बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री कोसाइन अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस sin² अल्फा, तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, सो इट विल कम्स 5/3। सो देयरफॉर द चार्ज इनक्लोज्ड फॉर द रीजन 2r एंड 4r/5 विल बी गोज टू 2q/5, एंड इस कारण से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी गोज टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल क्यू ले लेंगे, सो हो जाएगा 2q/5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन सी को देखते हैं, 2q/5 ε₀, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट टी एच इज ग्रेटर देन 2r एंड आर इज इक्वल टू 3r/5। सो इस कंडीशन के लिए लेट मी जस्ट ड्रॉ फर्स्ट द डायग्राम। सो देखिए इस तरीके से ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इन साइड टू दिस सिलेंडर, और यह एंगल अल्फा बन रहा होगा। तो चूंकि एच ग्रेटर देन 2r है, एच मीन्स टू से द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड स्मॉल आर विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, अ कैपिटल आर विल बी द रेडियस ऑफ स्पैन। सो फ्रॉम द फिगर साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाय कैपिटल आर, आर कितना है 3r/5, सो सब्सिट्यूट कर दीजिए, आर से आर कैंसिल, यहाँ पर हमें सिंपली मिल जाएगा 3/5। उसी तरीके से कोसाइन अल्फा 4/5 के इक्वल मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला फिर से यूज करना होगा, सो ये कोसाइन ऑफ अल्फा 4/5 के इक्वल, सो देयरफॉर द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी वो कितना हो जाएगा, जो भी चार्ज क्यू है वो डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। सो देखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस एक इसकी इक्वल आ रहा है कैपिटल ऑफ आर, अब वो हमें कितना मिला है 5 के इक्वल, सो ये सिंपली हो जाएगा चार्ज इनक्लोज क्यू डिवाइडेड बाय 5, सो देयरफॉर द फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर डी पार्ट। तो चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं, क्यू बाय 5 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन डी भी यहाँ से करेक्ट होगी। सो ओनली ए बी एंड डी आर करेक्ट वाइल सी इज इनकरेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टैंड, विल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।